हिसार जिले की बात कर लेते हैं, जहां पर किसानों ने अलग अलग सड़कों को रोकने का काम किया। हिसार को राजस्थान से जोड़ने वाली सड़क पर जिला मुख्यालय के बाहर क्या कुछ हालात रहे, जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी महेश कुमार। केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को लेकर किसान संगठन अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 25 सितंबर के भारत बंद को लेकर तमाम किसान संगठन अपने अपने इलाकों में इस बंद को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिला सचिवालय के बाहर, और शहर के भीतरी इलाके में भी किसान संगठनों ने अपने विरोध को दर्ज करवाने का काम किया है। हिसार जिला सचिवालय के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से हिसार को राजस्थान से जोड़ने वाली रोड को किसान संगठनों ने अपने कब्जे में ले लिया और सड़क के बीच में बैठकर अपने विरोध का इजहार लगातार मुझे करते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह का ये विरोध आज दर्ज करवाया जा रहा है, और हिसार के कौन कौन से इलाकों में ये जो सड़क बंद आप लोगों की तरफ से की गई? देखो जी, वैसे तो सभी किसान संगठनों ने आज भारत बंद के आह्वान के ऊपर सारे देश में रोड बंद कर रखे हैं, लेकिन हमारी अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति, जिसमें लगभग 258 संगठन इकट्ठे हैं, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर हमने प्रोग्राम पहले के कर रखे थे, और प्रेस और मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बता भी रखा था। यहाँ पर हिसार तहसील की तरफ से हिसार सेक्रेटेरिएट पर नेशनल हाईवे नंबर 65 अंबाला टू पाली को रोक ने काम न काम किया हिसार तहसील किसान सभा ने। इसी प्रकार आदमपुर किसान सभा में सतबीर जी दायल, और वहां का प्रधान है हमारा नरसोत्तम बिश्नोई, और बुजुर्ग प्रधान भूप सिंह जी बिजानिया, उनकी अध्यक्षता में आदमपुर में हिसार टू भादरा रोड को रोक रखा है। इसी प्रकार किसान सभा की इकाई जो हासी तहसील की इकाई है, वहां पर रोहतास जी मलिक डडेर की अध्यक्षता में आसी पर जीटी रोड को रोक रखा है। लोकल कमेटियां जो हमारी गांव की है, जैसे तोसाम रोड के ऊपर गुंजार की है, नलवा की है, बालावास की है, कुआरी की, वहां पर तोसाम रोड को रोक रखा है। इसी प्रकार चंडीगढ़ रोड पर हमारी लोकल इकाइयों ने बबुलपुर के अंदर चंडीगढ़ हाई रोड को रोक रखा है। इसी प्रकार चौधरी वास रोक रखा है, राजली जो चोपटा है सीटू बर वाला रोड वहां रोक रखा है। बात कर जिले के अलग अलग इलाकों में आप लोगों ने सड़कों को रोकने का काम किया, क्या लगता है कि ये विरोध अब काम करेगा? हाँ, विरोध काम करेगा। किसान सड़कों पर आया है, जब जब किसान उठा इस प्रदेश और इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सब कुछ बदला है उसने। उसने राज बदले, व्यवस्था बदली है। अगर 1857 की क्रांति के पीछे किसान का हाथ होता और इन जो राजघराणों की गद्दारी नहीं होती तो देश 1857 में आजाद होता। उसके बाद जो कामागार गाटू जहाज के अंदर जो अमेरिका से जो हिंदुस्तान के किसान आए थे, जो आज़ादी का आंदोलन लेकर आए थे, आज किसान इस देश की, इस प्रदेश की जो ये तानाशाही इतलाशाही सरकार है, इसको झूठी सरकार, जो दुनिया की सबसे अगर झूठी सरकार है वो हिंदुस्तान की मोदी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेगा ही नहीं। किसान और मजदूर अब बार बार परिवर्तन नहीं करेगा, अपना राज स्थापित करने की ओर चल पड़ा है। मुझे बताइए कि किस तरह का विरोध दर्ज करवाया जा रहा है हिसार जिले में? हिसार जिले में कह दो किसान बिल्कुल आत्महत्या करने के कगार पर आ गया। ये सरकार इनकी तरफ कुछ नहीं देखने लग रही है, क्योंकि इन्होंने अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं है। किसान की कहां थे इन्होंने, क्या करा देश, नकली बीज और नकली दवाई खाद यहाँ दुआ के, और यहाँ किसान की फसल सारी की सारी बर्बाद होगी, और यहाँ कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। ये कांग्रेसी नेता भी इस विरोध को समर्थन देने किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। अनिल मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए किस तरह का विरोध आज दर्ज करवाया जा रहा है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है, हम लोग पूरा इस बंद का समर्थन करते हैं, और ये तीन अध्यादेश हैं इनका पुरजोर विरोध करते हैं। या तो सरकार संभल जाएगी, अभी देख वापिस लेगी, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे हम लोग। चलिए, दो टूक ये बात कही जा रही है तमाम कांग्रेस किसान कांग्रेस से जुड़े नेताओं की तरफ से। उसके अलावा तमाम जो किसान है वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विरोध उनकी तरफ से पूरी ताकत के साथ वो कामयाब करने की कोशिश करेंगे इस सड़क जाम को लेकर, और रेलवे तक को रोकने की कोशिश तमाम किसान संगठनों की तरफ से इस विरोध को दर्ज करवाने के लिए की जा सकती है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।